नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग की समीक्षा आज हम लोग करेंगे। हृदय रोग का कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। हृदय रोग की बात है तो हृदय के लिए हम लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव देखते हैं। कुंडली का ये चतुर्थ भाव जो है ये हृदय का भाव है और हृदय का जो कारक ग्रह है वह सूर्य है। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो किसी भी चीज का अगर आप विचार करिए तो काल पुरुष की कुंडली अवश्य देखिए। काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में मेष राशि होती है, यहाँ वृष मिथुन कर्क। तो काल पुरुष की कुंडली में जो हृदय की राशि होती है वह कौन सी राशि है, कर्क राशि है। तो हृदय रोग में एक तो हमें सूर्य का विचार करना है जो हृदय का कारक है। काल पुरुष की कुंडली, क्योंकि जो इस ब्रह्मांड में है वह हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो ये काल पुरुष जो है ये ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है तो हमारे अंदर भी कर्क राशि का प्रभाव चतुर्थ भाव में रहेगा ही रहेगा। कर्क राशि कुंडली में कहीं भी हो लेकिन वह चौथे भाव पर प्रभाव डालती ही डालती है। तो सूर्य को लेना है, कर्क राशि को लेना है। कर्क राशि को लेंगे तो चंद्रमा को भी हमें लेना है क्योंकि ये चतुर्थ भाव का कारक है। भाव को लेते हैं, भावेश को लेते हैं और कारकों को भी लेना चाहिए। अब हृदय रोग की हम लोग समीक्षा करेंगे। आसान से सूत्र हैं और आप सिर्फ देखते जाइए, बिना गुणा गणित आप जान जाएंगे। इसमें हमें चतुर्थ भाव और चतुर्थेश को भी लेना होगा। चतुर्थेश मतलब जो चौथे भाव का स्वामी है। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए चौथे भाव में कौन सी गिनती लिखी है, उनके स्वामी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर मैं एक कुंडली ले लेता हूँ, कर्क लगन की ही ले लूँ, अगर कर्क लगन की कुंडली ली जाए तो यहाँ पे 7 नंबर की गिनती पड़ेगी। 7 का स्वामी शुक्र होगा। चलिए मैं कर्क लगन के उदाहरण पर ही आपको समझा दूंगा। चतुर्थेश इस कुंडली में कौन सा ग्रह हुआ, शुक्र हुआ। चलिए पहले सूत्र पे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य जो कि हृदय का कारक ग्रह है और सूर्य ही विश्व की आत्मा है, हमारी भी आत्मा है, तो पहले आत्मा का मजबूत होना, हृदय की धड़कन बंद होने से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य महाराज छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में होते हैं तो हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए, सूर्य षष्ठम भाव यानी इस भाव में, अष्टम भाव या द्वादश भाव में जिनकी कुंडली में सूर्य होगा उनको हृदय रोग की संभावनाएं रहेंगी। हृदय से संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफें आएंगी। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कुंडली के कि जो योग हैं वे कितने प्रबल हैं या फिर कितने कमजोर हैं। प्रबल योग हो जाने पर अटैक वगैरह भी आता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हृदय रोग से संबंधित है। तो अगर सूर्य 6, 8, 12 में गया है तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, यह एक कारण बनेगा हृदय रोग का। अगर अगर सूर्य 6, 8, 12 में गया हुआ है और उसी के साथ कोई क्रूर ग्रह भी हो जाए तो पीड़ा और बढ़ जाएगी, हृदय रोग थोड़ा और ज़्यादा मेजर रूप ले लेगा। मान लीजिए सूर्य इसी
छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, द्वादश भाव में सूर्य है, तो सिर आँख और हृदय से संबंधित तकलीफ का कारण बन गया। अब इसी सूर्य के साथ में कोई दूसरा क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह में हम लेंगे मंगल को, राहु को, केतु को और शनि को, अगर इनमें से कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में सूर्य के साथ है तो हृदय रोग की संभावना और भी प्रबल हो जाती है। ये दो सूत्र आपको याद करने हैं। एक चीज और याद रखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जो अंधकार है और सूर्य प्रकाश है, तो किसी भी कुंडली में सूर्य और शनि की युति होने से व्यक्ति को सिर आँख और हृदय से संबंधित परेशानी आती ही आती है। अगर दोनों एक ही नक्षत्र में भी हो तो इस बात की संभावना और बढ़ जाएगी, और अगर ये 6, 8, 12 में योग करें तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी ब्रेन हेमरेज या हार्ट फेलियर बनता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के होते हैं। अगला कारण जो बनता है, दो सूत्र हमने आपको बताए, नोट करिए। तीसरा सूत्र है जो हमारा फोर्थ हाउस है, कुंडली का जो चौथा घर है, अगर उसमें एकाधिक्य पाप ग्रह हो, एकाधिक्य मतलब एक से अधिक क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह मैंने ऊपर लिख दिया है कौन कौन से हैं, अगर कुंडली के इस चतुर्थ भाव में, सबकी कुंडली में चतुर्थ भाव यही होगा, ये जो गिनतियां लिखी होती हैं ये क्या होती हैं, राशियां, तो अगर चतुर्थ भाव में मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य को भी शामिल कर लेंगे क्रूर ग्रह, अगर सूर्य है और उसी के साथ में जितने अधिक क्रूर ग्रह है, अगर सूर्य नहीं भी है और दो या दो से अधिक क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो हृदय रोग होगा, हृदय में पीड़ा होगी, हृदय शूल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये जितने योग बन रहे हैं इनके प्रबल होने की संभावना तब और अधिक हो जाती है जब आपकी कुंडली का जो चौथे भाव का स्वामी होगा, जैसे इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी शुक्र है, 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, शुक्र होता है, 2 और 7 का स्वामी शुक्र, 1, 8 का मंगल, नीचे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है। तो अगर इस कुंडली में मान लीजिए यहीं पर क्रूर ग्रहों की संख्या अधिक है, मंगल इसी में बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो अब हृदय रोग की संभावना बन गई। अब इसके बाद हमें कुंडली में सूर्य की स्थिति देख लेनी है और चतुर्थ भाव के स्वामी की भी स्थिति देखनी है। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त हो, चतुर्थ भाव का स्वामी कैसा हो, अस्त हो, चतुर्थ भाव का स्वामी नीच का हो, या चतुर्थेश भी 6, 8, 12 में गया हो, तो इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि पर बैठा हो, यानी कुंडली में कहीं भी 11 नंबर की गिनती पर सूर्य बैठा हो, तो ऐसे लोगों को भी अपने हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। कुंभ राशि में स्थित सूर्य भी, और अगर कोई भी अन्य दूसरे कारण बन गए, अगर कुंभ राशि पर 6, 8, 12 में है तो और भी संभावना बढ़ जाएगी, हृदय रोग की संभावना बनेगी। अगर सूर्य जहां भी कुंडली में बैठा हुआ है, सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उसी के साथ में, सूर्य के साथ में योग करे, कौन सा ग्रह योग करे, जो छठे भाव का स्वामी है वह ग्रह योग करे, अष्टम भाव या द्वादश भाव के स्वामियों के साथ में सूर्य होगा, तो ऐसे में इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि व्यक्ति को हृदय रोग होगा। अगर यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आगे भाव में कौन सी गिनती पड़ जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कुंडली कंप्लीट हो गई। अब इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 9 नंबर मतलब गुरु, 9 का स्वामी गुरु होता है, 9 और 12 का। अब गुरु इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी हो गया। अब आप देखिए, अगर कुंडली में कहीं भी गुरु के साथ में सूर्य होगा तो कुछ ना कुछ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अवश्य बढ़ाएगा। दूसरा, इसी में आप ये देखिए, जो अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में 11 नंबर 11 का स्वामी कौन है, शनि है। अगर वह शनि सूर्य के ऊपर कहीं से भी प्रभाव डालेगा, दृष्टि डाले, सूर्य के साथ हो, तो भी यही योग
बनेगा। बारहवें भाव का स्वामी कौन हुआ इस कुंडली में? बुध। आप अपनी कुंडली में देखिए, अब अगर वही बुध सूर्य के साथ कहीं भी होगा तो हृदय रोग की संभावना को बनाएगा। अगर सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, सूर्य गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, और अग्नि को क्या नहीं प्रिय है? जल। अग्नि को जल प्रिय नहीं है, तो अगर सूर्य कुंडली में जल तत्व वाली राशियों में गया हुआ हो, जल तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? 4, 8 और 12, ये जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर सूर्य इन राशियों में गया हुआ है और इसके साथ में कोई क्रूर ग्रह है तो भी हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इस बात को भी जानना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु हो, सूर्य के साथ राहु जो कि ग्रहण दोष भी बनाता है, या कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा हुआ हो, अकेला ही बैठा हुआ हो या कोई साथ में ही क्यों ना हो, तो ऐसे में गैस के कारण, पेट में गैस चढ़ती है और उस गैस के कारण जो है वह गैस हृदय पे आता है, हृदय की तरफ जाता है, तो हृदय में दर्द या तकलीफ, छाती में दर्द तकलीफ महसूस हो सकती है। इसके अलावा अन्य योगों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अगर देखिए आपकी कुंडली में, जैसा कि मैंने कहा, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कौन सी राशि पड़ती है? कर्क राशि, 4 नंबर की गिनती पड़ती है। काल पुरुष के अनुसार देख लीजिए, 4 नंबर यानी कर्क राशि जो आपकी कुंडली का है, अगर कर्क राशि कहीं भी पूरी कुंडली में पड़ी है, 4 नंबर की गिनती, उसमें क्रूर ग्रह बैठा हो, या 4 नंबर में मंगल नीच का होता है, मंगल बैठा हो, जितने अधिक क्रूर ग्रह बैठे होंगे मंगल के साथ में, तो उतनी ही संभावना आपको हृदय से संबंधित छोटी सामान्य बीमारियों की बनेगी। घबराहट होना, बीपी ऊपर और नीचे होना, ये सब भी हृदय की पंपिंग पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि पीड़ित है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा पीड़ित है, तो भी आपको हाई बीपी, कभी बहुत ज़्यादा बीपी भग जाएगी और कभी बहुत ज़्यादा लो रह जाएगी, इस बात को भी जानना है, क्योंकि चंद्रमा और कर्क राशि ये दोनों चतुर्थ भाव के कारक होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो ऐसी भी संभावना बनेगी। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो, यानी सूर्य किस गिनती पर हो? 7 नंबर की गिनती पर हो, चंद्रमा नीच राशि में हो यानी 8 नंबर की गिनती पर हो, तो हृदय की प्रबल समस्याएं आती हैं, वाल वगैरह भी खराब हो सकते हैं। तो सूर्य चंद्रमा दोनों के नीच होने से जीवन में हार्ट का ऑपरेशन होने का योग बन ही बन जाता है। तो ये कुछ योग हमने आपको बताए जिसमें आपको चौथा भाव देखना है, चौथे भाव के स्वामी को देखना है, सूर्य को देखना है, और कर्क राशि और फिर चंद्रमा को देखना है। इन सारे चीज़ों के कारण हृदय रोग बनता है। अब उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी भी कारण से हृदय रोग की संभावना नजर आ रही है, किन ग्रहों के कारण हृदय रोग बन रहा है, यह आपको देखना पड़ेगा। अगर सूर्य कमजोर है तो सूर्य को बलवान करिए। सूर्य को बलवान करेंगे, किसी भी ग्रह को बलवान करने के लिए उस ग्रह का स्टोन पहना जाता है, यानी सूर्य का रत्न आप पहन सकते हैं। सूर्य अगर अशुभ भावों का स्वामी है तो सूर्य की वस्तुओं का दान करिए और फिर उस ग्रह का जप करवाइए जिन ग्रहों के कारण वह पीड़ा हो रही है। अगर सूर्य के साथ राहु शनि बैठे हैं तो इसमें पीड़ा सूर्य के कारण नहीं हो रही है, सूर्य पीड़ित हुआ है, और पीड़ित किसने किया है? राहु और शनि ने किया है। जब भी कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है किसी क्रूर ग्रह के साथ रहने पर, तो जो क्रूर ग्रह उसे पीड़ित कर रहे हैं उनका उपाय करिए। तो अगर सूर्य शनि के साथ है, राहु के साथ है, मंगल के साथ में है, तो आपको सूर्य को नहीं कमजोर करना है, सूर्य के साथ जो ग्रह स्थित हैं उनकी वस्तुओं का दान करना है। दान करने से ग्रह कमजोर होता है, और जो ग्रह पीड़ित है उसका रत्न पहनना है और उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए।
रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो व्यक्ति एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करे तो भी हृदय रोग में राहत रहती है। हृदय रोग बिगड़ने के पहले ही व्यक्ति को सूचना मिल जाती है, कोई सीरियस इशू नहीं हो पाता। आजकल तो हार्ट अटैक की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, काफ़ी न्यूज आते हैं और बहुत कम उम्र के लोगों को हो रहा है और ऑल ऑफ सडन होता है, बोलते बोलते कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष रखने से आपके लिए अच्छा रहेगा, सूर्य चंद्रमा मजबूत रहेंगे। अगर चौथे भाव का स्वामी भी कमजोर पीड़ित है तो उसे भी मजबूत करना चाहिए। तो हृदय रोग की समीक्षा के बारे में यह कार्यक्रम था। अगला कार्यक्रम अन्य किसी विषय पर लाएंगे। आप लोग अगर किसी विषय पर विशेष कार्यक्रम चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। कल शाम को 7 बजे लाइव आना है, लगभग हर रविवार को प्रयास रहेगा कि शाम को 7 बजे लाइव आएं और आपके एक प्रश्न का उत्तर और उपाय आप लोगों को लाइव कंसल्टेशन के द्वारा दिया जाएगा। जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो लोग शुल्क नहीं जमा करने की स्थिति में है, वो लोग वहाँ पर आकर के परामर्श ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।